एहम जी के कमरे का दरवाजा खुला है। लगता है एम जी हमारी फोटो देख रहे हैं। कान्हा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। किंजल बेन, बात क्या है? क्या तुम दोनों बहनों को रात में नींद ना आने की बीमारी है? ऐसी कोई बात नहीं है किंजल बेन, राशि बेन ने मुझसे कहा कि आपको पानी चाहिए तो वही देने आई। किंजल बेन, वैसे आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? पानी पानी लेने ही जा रही थी। क्या आप मुझे ग्लास ला देंगी? ग्लास? जी। मुझे अगर इस घर से भागने में कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ ये गवार गोपी ही है। मैं इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। किंजल बेन, ये लीजिए। गोपी भाभी, अब मैं आपको क्या बताऊं? क्या बात है किंजल बेन, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? बताइए ना। लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? नहीं, बताइए। आप तो जानती हैं भाभी कि इलेश जी आए थे, पर आप जानती हैं क्यों?
क्योंकि इलेश जी हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं। क्या? हाँ भाभी, यही सच है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब माँ और पापा को इस बात का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। ऐसा मत सोचिए किंजलबेन, आप कान्हा जी की प्रार्थना करिए, वो तो सबकी सुनते हैं। और मैं भी अपने कान्हा जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी मतलब? हाँ, कान्हा जी पे तो भरोसा है ही, लेकिन वो भी तो उन्हीं की सहायता करते हैं ना जो खुद की सहायता करता है। अब क्या होगा खिंजलबेन? मैं सोच रही थी, मतलब मैं खुद जाकर इलेश जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। अभी? लेकिन खिंजलबेन, यू किसी को बिना बताए आप? हाँ हाँ भाभी, आप तो जानती हैं, सुबह माँ तो मुझे घर से निकलने नहीं देंगी, और जो कुछ मैंने आपको बताया, सोचिए अगर वो माँ पापा को पता चला तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए मुझे अभी ही जाना होगा, वो भी चुपचाप। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं? किंजलबेन, मैं आपकी क्या? हाँ भाभी, आप जानती हैं घर में सब इस रिश्ते से कितने खुश हैं। क्या आप चाहती हैं कि उन सबकी खुशियों को ठेस पहुंचे? नहीं ना, इसलिए मुझे ये कोशिश करनी ही होगी। आप सोच लीजिए गोपी भाभी, घर की इज्जत दांव पर लगी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे बचा सकती हैं। ये इतनी रात को कौन होगा? गोपी भाभी, आप? नहीं, वो वो किंजलबेन के सर में दर्द हो रहा है तो बाम चाहिए था, वो मेरे कमरे में है लेकिन पता नहीं मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं भाभी, मैं ढूंढ कर दे देता हूँ, आइए ना। जी।